आज मैं विजुअल बेसिक में आपको ड्राइव बॉक्स, डायरेक्टरी बॉक्स और फाइल बॉक्स कंट्रोल के बारे में मैं आपको बताऊंगा ये क्या होते हैं। जनरली हम डायलॉग बॉक्स जब भी ओपन करते हैं, मान लीजिए आपने कभी वर्ड में ओपन करते हैं तो ओपन ऑप्शन क्लिक करते हैं, हमारे सामने डायलॉग बॉक्स आता है। हम फिर ड्राइव को सेलेक्ट करते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ड्राइव ऊपर में रहता है, जैसे सेलेक्ट करते हैं नीचे जितने डायरेक्टरी जो दिखाता है क्लिक करते हैं, पूरी फाइल के नाम दिखाने लगते हैं। तो यहां पर भी हम वो चीज कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास तीन ऑप्शंस आते हैं, डायरेक्टरी बॉक्स, ड्राइव बॉक्स और फाइल बॉक्स। तो फाइल में फाइल्स दिखेंगी, डायरेक्टरी में डायरेक्टरीज दिखेंगी और ड्राइव में ड्राइव। तो वो कौन से ड्राइव दिखेंगी, आपके कंप्यूटर में मान लीजिए ए बी सी डी ई तक ड्राइव है तो ई तक दिखेगी, जितनी भी कंप्यूटर पर ड्राइव होंगी वो दिखेंगी। यदि मान लीजिए मैंने डी ड्राइव क्लिक किया तो डी ड्राइव में तो जितनी डायरेक्टरी के अंदर पूरी डायरेक्टरीज दिखाएंगी। यदि डायरेक्टरी को सेलेक्ट करता हूं, डबल क्लिक करता हूं तो ऑटोमेटिकली फाइल में क्या हो जाएंगे वो दिखना चाहिए, मगर एक दूसरे से रिलेट नहीं है अभी। अभी बाय डिफॉल्ट वो सी ड्राइव की जो मेन जो हमारा जो रूट डायरेक्टरी होती है सिर्फ उसी को दिखाता है, सी ड्राइव दिखाएगा, यहां सी ड्राइव डायरेक्टरी दिखाएगा, सी ड्राइव के फाइल्स के नाम दिखाते हैं। बट डी कर देने पर डी का नहीं आएगा। डी करने पर मान लीजिए कॉलेज नाम का एक फोल्डर बना हुआ है, कॉलेज नाम के फोल्डर को मैं क्लिक करता हूं तो फाइल्स नहीं दिखाने वाला, ये प्रॉब्लम होती अभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये चीज हम यहाँ पे अभी एक प्रोग्राम के थ्रू समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक फॉर्म लेता हूं, इस फॉर्म में सब तीन हमको कंट्रोल्स मिलेंगे, एक बताएगा डायरेक्टरी, ड्राइव और यहां मैंने रखा फाइल। ये है ड्राइव वन, डायरेक्टरी वन, फाइल वन। ये प्रोग्राम मेरे को बनाना है कि मैं जैसे यहां चेंज करूं उसका इफेक्ट इसमें और इसमें जो आया उसका इफेक्ट यहां दिखना चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो इस पे कोडिंग है। सबसे पहले मैं ड्राइव पे इस पे क्लिक करता हूं तो कैसा लिख के आएगा, प्राइवेट ड्राइव वन पे क्लिक इवेंट, उस पे क्लिक करना पड़ेगा। ये हो गया। तो इसमें मेरे को ज्यादा बड़ी लंबी कोडिंग नहीं है, मैं छोटे छोटे बना दे रहा हूं। इस पे जब डबल क्लिक करूंगा इसका इफेक्ट इसमें आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो इस पे कोडिंग कैसे करते हैं, ड्राइव वन डॉट, मुझे इसका इस पे क्लिक करूं तो क्या इफेक्ट होना चाहिए इस पे, ये कौन है ड्राइव वन डॉट पाथ इज इक्वल टू, क्या होना चाहिए ड्राइव वन का ड्राइव, ड्राइव वन का ड्राइव क्लिक करने पर ड्राइव वन का क्या बन जाना चाहिए, पाथ बन जाना चाहिए। तो इसकी पूरी पाथ नेम यहां पर आ जाएगी। तो आप यहां पे डी ड्राइव करेंगे तो डी का दिखाएगा, ई करेंगे टी का दिखाएगा, एफ करेंगे तो एफ का दिखाएगा, जिस प्रकार से पी करते क्लिक करेंगे उस पर आ जाएगा। वैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो फाइल दिखना चाहिए, तो इसमें क्या क्लिक करेंगे, सेम चीज है, इसमें क्या कर रहे थे डायरेक्टरी को इधर रखें, इसका इफेक्ट इस पर आना चाहिए किस पे, फाइल पे। तो फाइल वन को इधर, डायरेक्टरी वन को इधर, डायरेक्टरी वन डॉट पाथ, फाइल का क्या बन जाना चाहिए, पाथ बन जाना चाहिए। तो देखेंगे जब आप ये प्रोग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, जो चीजें यहां पे दी गई हैं वो पाथ में कन्वर्ट, इसमें पाथ के अनुसार कन्वर्ट होता जाएगा। जैसे मैं यहां पे मान लीजिए क्लिक करता हूं, सी ड्राइव लिखा हुआ है, जब आप यहां पे क्लिक करेंगे सी डी ई सब दिखेगा। मान लीजिए मैंने डी को सेलेक्ट किया तो डी सेलेक्ट किया तो डी के पूरी प्रॉपर्टी, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया इसका इफेक्ट यहां दिखने लगेगा। इस प्रकार हम कर सकते हैं। अब मैं चाहूं तो इसमें फाइल के थ्रू मैं यहां पे एक क्या ला सकता हूं, इमेज है सपोज, तो एक मैंने क्या लग दिया यहाँ पे इमेज बॉक्स। मैं ये चाहता हूं कि यहां पर किसी का फोटो है, इमेज है, वो इमेज यहां दिखना चाहिए। तो मैं यहां पे इफेक्ट है तो इसको क्या करूंगा, इसके क्लिक इवेंट पे लिखूंगा। तो कैसे लिखूंगा, प्राइवेट सब, प्राइवेट सब फाइल वन पे क्लिक इवेंट पे इसका इफेक्ट इसमें आना चाहिए, किसमें आना चाहिए, इमेज में। इमेज में क्या आना चाहिए, या पिक्चर बॉक्स है, सपोज ये मान लीजिए इमेज नहीं, मैं पिक्चर ले लेता हूं, तो पिक्चर वन वन डॉट डॉट पिक्चर
क्यों मेरे को पिक्चर वन में क्या चाहिए, पिक्चर चाहिए इक्वल टू लोड पिक्चर, मेरे को वहां क्या करना, लोड पिक्चर करना, क्या चीज को लोड कर रहा है। तो यहां पर जो मैं फाइल, सपोज मैंने यहां पर एक फाइल है उसको सेलेक्ट किया, जैसे उसको सेलेक्ट करूंगा वो पिक्चर यहां दिखा देना चाहिए। तो कैसे, यहां पे उसका पाथ नेम यहां पर सेलेक्ट करना पड़ता, तो पाथ नेम क्या हुआ, तो उस पाथ नेम का नाम कैसे लिखेंगे, फाइल डॉट वन डॉट पाथ, जैसे ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, इसकी पूरी पाथ आ जाएगी। इसमें एम परसेंट करके मैंने डबल कोट्स लगा के एक स्लैश लगाया, फिर एम परसेंट यहां पर फिर से लगा रहा हूं, एम परसेंट आपको पहले मालूम है अटैच करने के, एम परसेंट स्लैश फिर एम परसेंट, उसके बाद मैं पीछे लिख देता हूं फाइल डॉट फाइल नेम। जैसे ही मैं ये करता हूं ये पूरा पाथ नेम जिस फाइल को मैंने सेलेक्ट किया वो आ जाएगी, और जैसे ही वो आएगा इस पाथ नेम आ जाएगा और वो पिक्चर यहां पर दिखाने लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टरी फाइल का और